नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MS News 2019 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज 23 जून 2020 BSNL की तरफ से बड़ी अपडेट है। पश्चिम बंगाल और कोलकाता के संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। BSNL यू CMD BSNL को लिखता है, मुद्दों को निपटाने की मांग करता है। तो दोस्तों, अपडेट की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। BSNL संविदा कर्मचारियों को पिछले 1 साल से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। 12 संविदा कर्मियों ने इसके कारण आत्महत्या कर ली है। अब प्रबंधन बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से अनुबंध कर्मचारियों को पीछे हटा रहा है। जी हाँ दोस्तों, BSNL यू और BSNL CCWF द्वारा बार बार उठाई गई मांगों, वेतन बकाया का भुगतान करने और आउटसोर्सिंग के खिलाफ भी कोई परिणाम नहीं निकला है। इन परिस्थितियों में पश्चिम बंगाल और कोलकाता मंडल के संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। BSNL यू ने CMD BSNL को पत्र लिखा है, वेतन बकाया का भुगतान करके इस समस्या को हल करने की मांग की है और कार्यों को आउटसोर्स करने के निर्णय की समीक्षा की है। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर पत्र देख सकते हैं, BSNL एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।